बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुछ मालूमाती सवालात। कुरान पाक में सबसे ज़्यादा किस पैगंबर का नाम आया है? कुरान पाक में सबसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आया है। कुरान पाक का पहला हाफिज़ कौन है? कुरान पाक का पहला हाफिज़ कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कुरान पाक में नमाज का हुक्म कितनी बार आया है? कुरान पाक में नमाज का हुक्म 700 बार आया है। कुरान पाक में ज़कात का हुक्म कितनी बार आया है? कुरान पाक में ज़कात का हुक्म 150 बार आया है। कुरान पाक में अल्फाज अल्लाह कितनी बार आया है? कुरान पाक में अल्फाज अल्लाह 2698 बार आया है। कुरान पाक में कुल कितनी आयतें हैं? कुरान पाक में कुल 6666 आयतें हैं। कुरान पाक में कुल कितने रुकू हैं? कुरान पाक में कुल 540 रुकू हैं। कुरान पाक में मक्की सूरतें कितनी हैं? कुरान पाक में मक्की सूरतें 86 हैं। कुरान पाक में मदनी सूरतें कितनी हैं? कुरान पाक में मदनी सूरतें 28 हैं। कुरान पाक में कितनी मंजिलें हैं? कुरान पाक में 7 मंजिलें हैं। कुरान पाक का मौजू क्या है? कुरान पाक का मौजू इंसान है। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद है। इस वीडियो को सदका ए जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक मालूमात पहुँचाते रहिए। शुक्रिया।